लोकसभा चुनाव के बाद क्लीन स्वीप करने के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने ही नहीं बल्कि मायावती ने भी अपने दौर में पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कोशिश की थी और सबसे आखिरी कोशिश अखिलेश यादव की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ये रिपोर्ट देखिए। दलितों के सम्मान की सामाजिक संरचना रखने वाली 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग दशकों से चली आ रही थी। समय समय पर सरकारों ने इसके प्रयास भी किए, लेकिन मौका देखते ही योगी सरकार ने इसे भी अपने पक्ष में भुना लिया। अब दूसरी दलित जातियों के साथ साथ 17 अति पिछड़ी जातियाँ जिसमें कहार, केवट, मलाह, निषाद, कुम्हार, कश्यप, बीन, प्रजापति, धीवर, भर, राजभर, धीमर, पाथक, कुरहा, मांझी, मछुआ और घोड़िया अब अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के कोटे में 17 अति पिछड़ी जातियों को डालने का दावा मुलायम सिंह यादव ने चलाया था, लेकिन उनका ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। माना जाता है कि इन 17 अति पिछड़ी जातियों की आबादी कुल आबादी की लगभग 14% है, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसने पिछले चुनाव में बीजेपी को एक मुश्त वोट भी किया था। अति पिछड़ा होने की वजह से ये ना तो पिछड़ी जातियों का लाभ उठा पा रहे थे और ना ही दलितों का। ऐसे में इन जातियों के अनुसूचित जाति में शामिल होने से इसका फायदा इन्हें जरूर होगा। दरअसल अनुसूचित जाति का दर्जा देने का आंदोलन पिछले कई सालों से चला आ रहा था। सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने नहीं बल्कि मायावती ने भी अपने दौर में इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कोशिश की थी और सबसे आखिरी कोशिश अखिलेश यादव ने की। उन्होंने इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव पास करा दिया था, लेकिन अदालत में जाकर अटक गया था और इस पर रोक लग गई थी। इसे योगी सरकार का सौभाग्य माने या फिर सरकार की अंदरूनी कोशिशों का नतीजा, लेकिन इतना तो हो गया, अदालत ने इस प्रस्ताव पर लगाई अपनी रोक, हटा दी और इन 17 जातियों के अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट पाने का रास्ता साफ हो गया। अपने इस कदम से बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एजेंडे को भी छीन लिया। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।